हाय एवरीवन, दिस इज सचिन मिर्जा। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, बिकॉज आज भैया बात करें नाटा 2025 का सबसे बिगेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा है कि भैया यहाँ पर नाटा की इस बार 2025 का शेड्यूल कह सकते हैं, भैया डेट्स कह सकते हैं, वो रिलीज कर दी है। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर मैं सबसे बिगेस्ट अपडेट की बात कर रहा हूँ। ये अपडेट शायद आपको अब पहली बार ही यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मिल रहा है आपको, राइट? क्योंकि मैंने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर अभी चेक किया है, तो भी कुछ दिन पहले ही काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स की ऑफिशियल वेबसाइट से एक अपडेट निकल कर आया है, जो भी पीछे डॉक्यूमेंट एक पीडीएफ रिलीज हुई है। ये एक टेंडर डॉक्यूमेंट है। इसको टेंडर डॉक्यूमेंट मतलब होता है कि ये अभी जस्ट रिलीज किया गया है कि आने वाले साल में ऐसा ऐसा होने वाला है। मतलब कंफर्मेशन नहीं, पर लेकिन टेंडर आता है, हर साल आता है। कंफर्मेशन से पहले एक पीडीएफ रिलीज होती है, एक न्यूज होती है, राइट? तो वो आ चुकी है, तो वो यहाँ पर पीछे दिया हुआ है। तो देख, बात करते हुए क्या क्या दिया है, क्या क्या इस बार होने वाला है, मैं मोटा मोटा आपको आइडिया देने वाला हूँ। वो हो सकता है शायद इस चीज को देखकर सुनकर आपको अच्छा नहीं भी लगे, क्योंकि बहुत सो अच्छा नहीं भी लगेगा, किसको अच्छा लगेगा, सबको अलग अलग ऐसा फील होगा, ठीक है ना? बिकॉज वैसे मैं इसको पढ़ने से पहले आपको पिछले लास्ट ईयर को बताता हूँ क्या था। लास्ट ईयर आपको नहीं पता हो तो मैं बताता हूँ कि लास्ट ईयर अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट होता, अप्रैल से लेकर जुलाई तक चले थे, और हर एक अप्रैल से लेकर जुलाई तक 4 महीने के अंदर एवरी सैटरडे को एग्जाम हुए थे। एवरी सैटरडे, सैटरडे संडे एग्जाम हुआ था, राइट? इस बार ये हो रहा है कि इस बार क्या हो रहा है, मैं आपको खुद बताया था, आप खुद भी पढ़ लो। देखो, सबसे पहले तो ऐसा है कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर देखो, इतना सितंबर को यहाँ पर टेंडर डॉक्यूमेंट निकाला गया था। जिस टेंडर डॉक्यूमेंट मतलब ये टेंडर का मतलब है कि ये लोगों से, ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन से या फिर जो एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं उनके पास टेंडर मांगते हैं, मतलब उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके हिसाब से, कि आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर आपके पास जो भी फैसिलिटीज है ऑनलाइन कंडक्ट एग्जाम कंडक्ट कराने की, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके थ्रू भी टेंडर मांगते हैं, राइट? कि हमारे को भेजो कि हमें ऐसा ऐसा होने वाला है तो आप क्या कर सकते हो। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इनको टेंडर भेजेगा, इनके लिए अप्लाई करेगा, मतलब बिड लगाएगा, बिड मतलब अप्लाई करना, ठीक है? देखो, सील्ड बिड ऐसे अप्लाई किया गया है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है ये मतलब टेंडर क्या होता है, वो छोड़ो, मैं सीधा आता हूँ मेन मुद्दे के ऊपर। वो देखो, इंट्रोडक्शन के अंदर सीधा सिंपल लिखा है, ये देखो यहाँ पर लिखा सबसे मेन चीज है, ध्यान दो, इसको पढ़ो और देखो। नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, नेशनल लेवल एप्टीट्यूड टेस्ट बीइंग कंडक्टेड बाय काउंसिल सिंस 2006, एडमिशन टू फर्स्ट ईयर प्रोग्राम वगैरह लिखा हुआ है। देखो, नाटा 2025, यहाँ से देखो, इस प्रपोज टू बी कंडक्टेड मतलब प्रपोज है, ऐसा होने वाला है, ठीक है? अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट नहीं, पर ये ऑफिशियल वेबसाइट से पीडीएफ रिलीज होती है पहले, ये ऑफिशियली है, राइट? प्रपोज टू बी कंडक्टेड ऑन डिजाइनेटेड सैटरडेज, यहाँ पर पहले सैटरडे संडे में दोनों तरफ था, ओनली सैटरडेज बोला जा रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर 2024, यानी कि अभी नेक्स्ट मंथ में, अभी मैं अक्टूबर में आपको वीडियो दे रहा हूँ, राइट? आज 15, आज 16 तक अक्टूबर है, तो मतलब ये जो है और नवंबर नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाला है। पर अभी तक एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन की भी कोई डेट तो आई नहीं है, बिकॉज 1 महीने पहले रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ता है, तब जाकर आप एग्जाम स्टार्ट करोगे, ठीक है? अभी उन्होंने बोला नवंबर से स्टार्ट होने वाले, यानी अभी तक रजिस्ट्रेशन का कुछ है ही नहीं, अपडेट ही नहीं है, ठीक है? तो शायद ही पॉसिबल होना हो, पर लिखा हुआ है एक बार नवंबर 2024 से लेकर स्टार्ट होगा जुलाई 2025 तक चलेगा। इसका मतलब वो ये हुआ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब यार 9 महीने तक एग्जाम चलाने की बात कही जा रही है यहाँ पर, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ की जा रही है बात 9 महीने तक एग्जाम चलाने की, जो कि पॉसिबल नहीं है, एवरी सैटरडे कहा जा रहा है। अब देखते हैं आगे क्या बोला गया। और सब्जेक्टेड टू नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड टू फॉरन सेशन ऑन एन ऑल इंडिया बेसिस एंड ऑल्सो सेलेक्टेड इंटरनेशनल सिटीज। फिर क्या बोला गया, देखो, अबाउट 5,000 कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू अपियर फॉर द टेस्ट ऑन अ सिंगल डे। भैया इतने सारे सैटरडे हो जाएंगे बीच में नवंबर से लेकर जुलाई तक, और ये बोले कि हर दिन, हर सैटरडे के दिन 5,000 बच्चे अपियर हो पाएंगे। शायद यार ये वो डेटा बताया जा रहा है जिसका अगर मैं 10% भी लूँ ना, 5,000 के 10% भी निकालता हूँ ना भैया, 10% जो कि होगा कितना, 500, ये इतने स्टूडेंट्स अपियर होना भी शायद मुझे मुश्किल लग रहा है, हर एक दिन की बात करूँ अभी नवंबर से लेकर, राइट? ये इन्होंने हर बार की तरह डेटा तो कह देते हैं, पर लेकिन इतने स्टूडेंट्स अभी होते नहीं है। और डेफिनेटली बात है, 9 महीने तक एग्जाम कौन ही इंतजार करेगा, और कौन इतना लंबा चीजों को, न्यूज मिलेगी कब, न्यूज बच्चों तक तो पहुंचेगी, क्योंकि बच्चों के बोर्ड एग्जाम होते हैं, मार्च तक तो बच्चे बोर्ड एग्जाम दे रहे होते हैं, उसके बाद बच्चे अप्रैल से स्टार्ट करते पढ़ना, तो मेन तो अप्रैल से ही स्टार्ट होंगे, पर लेकिन ये एग्जाम पता नहीं क्यों कराया जा रहा है, मुझे नहीं पता, पर ये अब तक अपडेट आपके सामने, ठीक है ना? बहुत ही शॉकिंग अपडेट है, बहुत शॉक, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत शॉकिंग अपडेट है। फिर लिखा है नॉट 25 इज टू बी कनेक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी, जो कि हर बार पता ही, हर बार होता है। अब आगे देखो क्या लिखा है, अपन आगे चलते देखो, ठीक है ना? आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी, देखो वैसे आप इसको पढ़ सकते हो, इसमें देखो मोटा मोटा पता है इस बार है ना, आपको एक कैसे तो पेपर पैटर्न दे दिया है, पेपर पैटर्न लास्ट ईयर का सेम, अभी 2024 का मिलता जुलता ही है, सेम दो पार्ट होंगे भैया, लिखा हुआ भी देखो, पार्ट ए होगा, पार्ट वन होगा जो कि हमारे पास होगा इसका ड्राइंग का, ठीक है ना? कनेक्टेड इन पार्ट, दो पार्ट में होगा, पार्ट ए होगा सेम आपको पहले, आपको ड्राइंग कंपोजिशन का होगा, ऑफलाइन टेस्ट मतलब साथ में एक शीट देंगे उसके ऊपर आपको करना है। नेक्स्ट पार्ट भी होगा जिसके अंदर देखो एनसीक्यू एंड एमसीक्यू दो तरह के क्वेश्चन होने वाले भैया। एमसीक्यू मतलब तो होता है क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सबको पता है,
एनसीक्यू क्या होता है, ये नया टाइप का क्वेश्चन है। एनसीक्यू मतलब होता है नो चॉइस क्वेश्चन, मतलब इसमें चॉइस नहीं जाएगी आपको, सिंपल क्वेश्चन होंगे। और अगर आप थोड़ा सा नीचे जाके देखोगे ना, तो ये नीचे जाके लिखा हुआ भी है कि इसके अंदर कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना टाइम लिमिट देखो इसमें लिखा हुआ। देखो पार्ट ए ड्रॉइंग के लिए आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे, इसे लिखा हुआ भी यहाँ पर, ठीक है ना। ये पार्ट बी एनसीक्यू एमएसक्यू एडेप्टिव कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसका, ऐसा ऐसा कुछ टाइम पे लिखा हुआ नहीं है। फिर देखो और डीप में लिखा है एग्जाम के बारे में, ध्यान दो। द टेस्ट शैल बी कंडक्टेड ऑन डिजाइनेटेड सेकंड सैटरडे इन टू सेशन फ्रॉम नवंबर 2024 टू फरवरी 2025। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दो यहाँ पर। इन्होंने डीप में लिखा है कि नवंबर 2024 अभी से लेकर फरवरी तक, यानी नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये स्टार्टिंग के 4 महीने जो ना, इन 4 महीने के अंदर हर सैटरडे को नहीं होगा, ओनली ओनली टू सेशन इन सेकंड सैटरडे, मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी के सेकंड वाला सैटरडे जो होगा उसके दिन ओनली सेकंड वाले सैटरडे को ही होगा स्टार्टिंग के 4 महीने, नौ महीने में से। और भी दो सेशन में होगा, मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशन। बात समझ आ रही पूरी, क्लियर है? ये लिखा हुआ पेज बोला एंड देयर अपॉन टू सैटरडेज इन द मंथ ऑफ मार्च 2025। फिर बोला कि ओनली मार्च, ओनली एक महीने मार्च के लिए क्या दो सैटरडे को होगा। पता नहीं कौन से होंगे दो सैटरडे, मुझे नहीं पता फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से कौन से दो सैटरडे, वो यहाँ पर मार्च मार्च में लिखा हुआ। उसके बाद आगे क्या लिखा है, ऑन ऑल सैटरडेज फ्रॉम अप्रैल टू जून। फिर उसके बाद अप्रैल से लेकर जून तक सब सैटरडे में होगा, राइट। ये सॉरी जुलाई तक नहीं चलेगा, जून तक चलने वाला है, मैंने आपको जुलाई बोला होगा, तो जून तक चलने वाला है, अप्रैल 25 से लेकर जून 25 तक चलने वाला है। द काउंसिल रिजर्व द राइट टू डिसाइड इंक्रीज या डिक्रीज नंबर ऑफ टेस्ट बियॉन्ड द स्पेसिफिक शेड्यूल द मीडियम इंग्लिश एंड हिंदी। दिस इज ऑल अबाउट द अपडेट। और ये रिलीज हुआ सबसे बिगेस्ट अपडेट अब तक का, जो कि शायद आपको सबसे पहले यही मिल रहा है, राइट ना। इससे अलावा ये अपडेट कहीं ना किसने ना अब तक बताया ना कुछ बोलेगा। और अपनी वाली वीडियो के आने के बाद सब जने बहुत सारी वीडियोस बनाने लग जाएंगे, आपको हो सकता है इधर उधर से बहुत सारी न्यूज मिलने वाली है। कोई गलत न्यूज बताएगा, कोई क्या न्यूज बताएगा, कोई उल्टी सीधी बहुत सारी न्यूज बताएगा, किसी पर विश्वास नहीं करना है जब तक आपको प्रूफ ना मिले। ये सब कुछ जो है प्रूफ आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट से पीडीएफ लाई गई, ठीक है। बाकी यार ये सब कुछ था और अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब इन्होंने बोला तो है फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होना था, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन का कोई अपडेट नहीं है, ऐसी बात है भैया। तो जैसे अपडेट आता है मैं आपको प्लीज बता दूंगा, जल्दी जल्दी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप जुड़े रहना चैनल के ऊपर, नए हो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी आपको कैसा लगा अपडेट, शॉकिंग सा? मुझे लेटर बता रहा हूँ, बहुत शॉक हूँ इससे। सबसे पहले बताऊँ तो ये नवंबर से लेके फरवरी तक का कोई सेंस नहीं बन रहा है, मार्च वाला भी कोई सेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। अप्रैल से लेकर जून तक ठीक है, उसके अलावा यार हर सैटरडे वाला सेंस जो शायद जो लास्ट ईयर भी ऐसा ही था, हर सैटरडे संडे एग्जाम वाला, ये थोड़ा सा शायद मुझे थोड़ा ठीक लगता है। पर लेकिन एक्चुअली क्या होता है, बच्चे से बहुत ज्यादा सेग्रीगेट हो जाते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा बिखर जाते हैं, पता नहीं होता है कि किसको एग्जाम कब दे रहा है, किसको कब देना है, किसी के सबसे मेन इशू होता है पता है एडमिट कार्ड और रिजल्ट का, किसका एडमिट कार्ड कब आता है, किसका रिजल्ट कब आता है, किसको नहीं पता ना। तो ये अपडेट मिलता है कि रिजल्ट और एडमिट कार्ड कब आएगा किस एग्जाम का, किसको नहीं पता, कब कब रिलीज होता है, कब नहीं होता, किसी का कोई कोई फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म पूरे टाइम एप्लीकेशन फॉर्म ओपन रहता है, आप कभी भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। तो कितने एप्लीकेशन कोई कब फिल कर रहा है, कोई वन का कर रहा है, कोई दो का एक साथ करता है, कोई तीन का करता है, किसी के बाद मूड चेंज हो जाता है भी हमको तो एक नहीं देना, हमको दो देना, हमको तीन नहीं देना, हमको दो देना, हमको तीनों देने, हमको एक भी नहीं देना। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा दुखदाई एक दिक्कत वाली रहती है, इन सब चीजों को मैनेज करना। इससे चलो बेस्ट था कि जो पहले हो रहा था लास्ट बिफोर लास्ट ईयर देखे तो स्टार्ट कुल मिला के 3 एग्जाम भी होते थे, 1, 2, 3 एग्जाम, एक सिंगल डे में एग्जाम होता था, सब जने उसी में अपियर होते थे, सबसे बेस्ट रिजल्ट बनाने में भी ऐसे नहीं होती थी, सबसे बेस्ट रहता था, राइट। खैर देखते हैं अब क्या होने वाला है, अभी तक पूरा परिचय मार्किंग स्कीम नहीं आई है अभी तक, ओनली इन्होंने बताया कि दो पार्ट होने वाला है, ड्रॉइंग एंड एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड के अंदर दो तरह क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड एनसीक्यू मतलब नो चॉइस क्वेश्चन, ये आगे लिखा हुआ है एमसीक्यू और एनएसक्यू। मैंने पूरी पीडीएफ पढ़ ली इसलिए मैं आपको इतना बता रहा हूँ, बाकी आगे का आपका ऐसा कुछ आपका काम का है नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। अब डिटेल में जो भी क्या था भी अपडेट आपको मिल जाएगा, क्या रजिस्ट्रेशन का है, क्या है एक्चुअली में एग्जाम कब होंगे कब नहीं होंगे वो देखते हैं। बाकी ये था अपडेट, बाकी मैं बोलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, और बस अपना ध्यान रखो, चैनल को बनाए सब्सक्राइब जरूर से कर देना। आपका आने वाले समय के अंदर भी जो भी एग्जाम हो गया, सैटरडे हो संडे हो मंडे हो, हमको फर्क नहीं पड़ रहा है, हमको बस फर्क पड़ रहा था कि अपडेट से अपडेट हमको मिल गया, बाकी हमको तैयारी तो भैया जो पहले कर रहे थे उस तरह से तैयारी करते रहनी है। बस आपके लिए बहुत जल्दी मैं एक नई लाइव सेशन की सीरीज लेकर आने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको जितने भी सिलेबस है उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने वाले, एप्टीट्यूड की जो भी चीजें एमसीक्यू एनएसक्यू वगैरह जो भी आ रहा है कुछ नहीं प्यार निपट लेंगे हम लोग भी, किसी आग के गोले से कम नहीं है, राइट। जितना हमको अलग अलग चीजें दिखाई जा रही है, जितना शॉकिंग अपडेट मिल रहे ना, उतना ज्यादा शॉकिंग से हम लोग एग्जाम के अंदर फाड़ कर दिखाएंगे, बस ये अपने आपसे वादा कर लेना। बाकी बस चैनल के नए सब्सक्राइब जरूर से कर देना, आधा काम आपका भी हो जाएगा सब्सक्राइब करने के बाद, बिकॉज आप ऐसी चीज से जुड़ जाओगे जिसके अंदर लास्ट 3 साल से बच्चों ने जुड़कर टॉप कॉलेजेस के अंदर एंट्री मारी है, राइट। तो बस मिलते हैं, बाकी प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा आपको किस टॉपिक के ऊपर कब से लाइव सेशन वगैरह चाहिए क्या है। वैसे मैं आपको नेक्स्ट वीक से सोच रहा हूँ लाइव सेशन भी स्टार्ट करने का, बाकी आप प्लीज लिख के बताइए नीचे आपको क्या सोचते हो क्या चाहिए। बाकी मैं तो आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।
बार मिलकर फाड़ना है, मिलकर आग लगानी है।